कढ़ाई को मैंने गर्म कर दिया है। यहाँ पर मैं एक कप घी का ले रहा हूँ। अगर आपके पास घी नहीं है तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देसी घी है। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चार इलायची शामिल करने लगा हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। देसी घी से बहुत अच्छा हलवा हमारा तैयार होगा। अगर आपने ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई तो ये ज़रूर बनाएं। यहाँ पर मैंने दो कप सूजी के लिए ये शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। जितनी हमारी सूजी भुनी हुई होगी उतना ही हलवा हमारा अच्छा बनेगा। सूजी हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है, इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। एक मिनट तक और इसे मज़ीद भून लेते हैं। आज मैं इसमें एक नई चीज़ शामिल करूंगा, इससे बहुत अच्छा हमारा हलवा बनेगा। यहाँ पर मैंने दो कप सूजी ली थी और आठ कप मैंने पानी लिया है, ये शामिल करते हैं। ये सारा मैंने डाल दिया है पानी। यहाँ पर हम चम्मच चलाते रहेंगे आस्ते आस्ते। यहाँ पर मैंने दो कप चीनी ली है, ये शामिल करते हैं। अच्छी तरह से हम इसे पका लेते हैं। इसका हमने पानी खुश्क करना है। यहाँ पर आपने पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। यहाँ पर मैं दो टेबलस्पून शहद ले रहा हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर ये पहले आपने कभी नहीं डाला है तो ये ज़रूर डाल कर चेक करें, बहुत अच्छा है इसका। याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।